नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह टूरिस्टल इंडिया से। आज बात करेंगे यूके के ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, कैसे लगता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किन लोगों को ट्रांजिट की ज़रूरत होती है, इस पे हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यदि बात करते हैं हम यूके की, यूके एक ऐसे स्थान पे कंट्री है जहाँ से बहुत सारे कंट्रीज़ को कनेक्टिंग फ्लाइट्स जाती हैं। जो यूके का एयरपोर्ट है, जो बंदा यूके गया उसको पता होगा कि यूके का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी जो है एयरपोर्ट है, क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पे मौजूद है जहाँ से एशिया को भी, यूरोप को भी, ठीक है, अमेरिका को भी, कैनेडा को भी, और जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, जैसे बरमुंडा हो गया, केमन आइलैंड और बहुत सारे आइलैंड हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूके से ही कनेक्टिंग फ्लाइट हैं वो जाती हैं। ज़्यादातर दो कंट्री से कनेक्टिंग फ्लाइट ज़्यादा जाती हैं, यूके से या यूएस से। सो वो लोग जिन्होंने यूके जाके एयरपोर्ट एग्जिट करना है या जिनकी स्टे 8 घंटे से ज़्यादा है, तो उन्हें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए उन्हें यूके का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। यूके ट्रांजिट वीज़ा के लिए चाहिए आपको क्या होता है? एक, जहां आप आगे जा रहे हो तो वो टिकट आपके पास होनी चाहिए। जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री का वैलिड वीज़ा, वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा बैलेंस आपके अकाउंट में हो तो आप यूके का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हो। यानी कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर हो कि आप ट्रांजिट वीज़ा क्यों ले रहे हो, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा मिलने के बाद आप यूके एयरपोर्ट जो है वो ट्रांजिट बाहर निकल सकते हो, घूम फिर सकते हो और फिर नेक्स्ट डे आप अपनी फ्लाइट पकड़ के आगे कहीं जा सकते हो। तो इसलिए हमें पूरी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको बता दूं, जिस कंट्री जा रहे हो उसकी आपके पास कन्फर्म टिकट होनी चाहिए, वहाँ का आपके पास वीज़ा होना चाहिए या वर्क परमिट होना चाहिए, वहाँ की जो आपकी स्टे है वो लीगल होनी चाहिए, इसके अलावा कम से कम 1.5 से 2 लाख आपके अकाउंट में हो, आपका पासपोर्ट और फोटो, ये यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यूके का वीज़ा जो है वो ले सकते हो। किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है? उन लोगों को जिनका एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हो रहा है या जिनकी से 8 घंटे से ज़्यादा है, उनको ज़रूरत पड़ती है। कैसे वीज़ा लिया जा सकता है? जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट देके, वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करके आप अपना जो वीज़ा है वो ले सकते हो। किन लोगों को यूके वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रांजिट की? वो लोग जिनका एयरपोर्ट सेम है, यानी कि आपकी जो फ्लाइट अराइवल भी उसी एयरपोर्ट पे हो रही हो और डिपार्चर भी वहीं से, सेम टर्मिनल हो आपका, है ना, और आपकी जो स्टे है वो 5 घंटे से कम की हो, तो उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लोग, कई लोगों के मन में वहम होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होते हैं, कोई लोग आपको वहम डाल देता है कि आपको ट्रांजिट की ज़रूरत है, बट सम टाइम आपको ट्रांजिट की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रांजिट अप्रूवल भी ले सकते हो। ट्रांजिट अप्रूवल में क्या है कि ना तो आपका पासपोर्ट मैसेज आएगा, ना ही कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, पर उसके लिए जो आपकी एयरलाइन है वो ब्रिटिश एयरलाइन होनी चाहिए। यदि आप ब्रिटिश एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो तो उनका एक प्रोसेस है, आप ट्रांजिट अप्रूवल जो है वो ले सकते हो। जो एयरलाइन है वो अपने बेस पे आपको, अपने बिहाफ पे आपको ट्रांजिट अप्रूवल दे देती है कि आप इस फ्लाइट से उतर के उस फ्लाइट में जा सकते हो, फ्लाइट चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांजिट वीज़ा के झंझट से बच जाते हो, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा का खर्चा ज़्यादा होता है, एम्बेसी की फ़ीस ज़्यादा होती है, कंसल्टेंट भी अपना जो फीस है वो चार्ज करता है, तो ट्रांजिट अप्रूवल की जो फीस है वो बहुत कम है। पर सम टाइम यदि आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना है या आपकी स्टे 8 घंटे से ज़्यादा है, तब आपको ट्रांजिट वीज़ा ही लेना पड़ता है, उसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है आपको ऑनलाइन असिस्ट करती है, आप हमारी पहले भी बहुत सारी वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं वो देख सकते हो। हमने बहुत सारे लोगों को यूके का ट्रांजिट वीज़ा है वो लेके दिया है, आपकी भी हम हेल्प कर सकते हैं और ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको यूके ट्रांजिट करना है, यूके एयरपोर्ट से आपको कहीं और फ्लाइट पकड़नी है, तो हम आपकी यूके ट्रांजिट वीज़ा लेने में और यूके ट्रांजिट अप्रूवल लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो और अधिक जानकारी के लिए, यदि आप अपना ट्रांजिट अप्रूवल या ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हैं,
तो स्क्रीन पे दिए नंबर से कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।